The Dawn Express. Aina Sashka. नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉन एक्सप्रेस और मैं आपकी होस्ट एनी शर्मा एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ ताज़ा खबरें। दरअसल आज हम आपको अपने द डॉन एक्सप्रेस न्यूज़ बुलेटिन में बताएंगे कि किस तरीके से कुंभ मेला कोरोना की भेंट चढ़ गया और साथ ही साथ बताएंगे किस तरीके से पाकिस्तान को एक बार फिर मुँह की खानी पड़ी। इन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए द डॉन एक्सप्रेस के साथ। कृपया आप हमारी वीडियो अंत तक देखिएगा और उसको लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। हरिद्वार में 2021 में लगने वाला कुंभ मेला कोरोना महामारी की भेंट चढ़ गया। अब माना जा रहा है हरिद्वार में कुंभ मेला केवल प्रतीकात्मक ही बनकर रह गया। आंकड़ों के अनुसार जो भीड़ और कुंभ के मेले में जमा होती थी उसी के फैसले के अनुसार अब कुंभ मेला नहीं लगाया जाएगा। अखाड़ों के साधु संन्यासी समिति संख्या में अपने देवताओं और इष्ट भगवान के साथ हर की पेड़ी पर गंगा स्नान प्रतीकात्मक रूप से ही कर पाएंगे। जी हाँ, दो साल पहले ही राज्य सरकार ने हरिद्वार में लगने वाले कुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने की घोषणा की थी। उसके लिए 1,000 करोड़ रुपए से लेकर 5,000 करोड़ रुपए तक का बजट का इंतजाम करने का ऐलान भी किया था। मुख्यमंत्री ने भी प्रयागराज में आयोजित अर्ध कुंभ मेले की में व्यवस्था देखने के लिए गए थे और तब वहां उन्होंने ऐलान किया था कि हरिद्वार का कुंभ मेला प्रयागराज के अर्ध कुंभ मेले से भी ज़्यादा दिव्य और भव्य होगा। लेकिन 2021 में लगने वाला कुंभ में अब ऐसा कुछ नहीं देखने वाला। सरकार ने बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के लिए कोविड जांच की नेगेटिव रिपोर्ट और 2 दिन होटल व होम स्टे में ठहराने का प्रतिबंध हटा दिया है। जी हाँ, अब कोई भी पर्यटक बिना कोविड जांच रिपोर्ट के उत्तराखंड घूमने जा सकता है, लेकिन उसे स्मार्ट सिटी देहरादून वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। नई व्यवस्था 23 सितंबर से लागू हो जाएगी। सरकार के इस फैसले से पर्यटन उद्योग से जुड़े कारोबारियों में नई उम्मीद जागी है। वहीं मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से पर्यटकों के लिए कोविड जांच की नेगेटिव रिपोर्ट और होटल व होम स्टे में 2 दिन ठहरने की बुकिंग का प्रतिबंध हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। कोरोना की उत्तराखंड 24 घंटे में मिले कई सारे संक्रमित मरीजों की वजह से पहले ये फैसला लिया गया था, लेकिन अब ये फैसला हटा दिया गया है। अमेरिका के पूर्व प्रति बराक ओबामा सरकार में राजनयिक रही एलिया आयरिस ने अमेरिका सांसदों से कहा कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में उपस्थिति बदलने के लिए अपनी उपस्थिति मजबूत बनाने के लिए आतंकवादी समूह का सहारा लिया, जिससे वहां की शांति हर कमज़ोर हुई है। जी हाँ, हर कोशिश शांति के लिए जो की गई थी वो कमज़ोर पड़ी और मानवाधिकार पर नकारात्मक असर पड़ा। विदेश संबंध परिषद में भारत पाकिस्तान और दक्षिण एशिया संबंधी मामलों की विशेष आयरस ने प्रतिनिधि सभा में विदेश मामलों की समिति के तहत एशिया प्रशांत एवं परमाणु और प्रसार उपस्थिति में कहा कि कश्मीर में स्थिति जटिल और दुखद है। आयरस ने कहा कि इस बात के लिखित दस्तावेज हैं कि पाकिस्तान के आतंकी कश्मीर में सक्रिय रहे हैं और कश्मीर के लोग एवं भारत सरकार इस क्षेत्र में आतंकवाद की कड़ी चुनौतियों का सामना कई सालों से कर रही है। आरएस ने अमेरिकी सांसदों से कश्मीर में लंबे समय से पीड़ित कश्मीरी पंडितों का भी जिक्र किया, जिन्हें 90 के दशक में उन्हीं के घरों से खदेड़ दिया था। अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों का अपहरण जारी विश्व धार्मिक आज़ादी पर बने अमेरिकी आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों से महिलाओं के लिए अपहरण का लंबा इतिहास रहा है। यहाँ नाबालिग लड़कियों का धार्मिक हिंसा और उत्पीड़न का शिकार होना जारी है। रिपोर्ट में इस बात की ताज़ा उदाहरण हसन अब्दुल्ला शहर के गुरुद्वारा पंजा साहिब के प्रमुख ग्रंथी की बेटी का दिया गया। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर की दुनिया की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनेगी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में रहने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की 1,000 एकड़ जमीन पर बनने वाली इस फिल्म सिटी में फिल्म निर्माण की सारी आधुनिक सहूलियत होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अधूरा कुछ भी नहीं है, उनकी सरकार दुनिया को पूर्ण फिल्म सिटी का उपहार देगी। सीएम ने कहा कि हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्मूथ व फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ साथ टैक्स छूट की सुविधा पर भी विचार कर
रहे हैं। ऐसे में अनुपम खेर, परेश रावल, उदित नारायण, नितिन देसाई, कैलेश खेर, अनुपम जलोटा, अशोक पंडित, सतीश कौशिक समेत कई लोग इसमें शामिल थे। मुख्यमंत्री ने खासतौर पर फिल्म सिटी के स्वरूप पर चर्चा की, उन्हें सीधा संवाद किया और उनकी राय भी जानी। सीएम ने कहा कि 50 सालों की जरूरतों को ध्यान में रखकर होगा फिल्म सिटी का नया विकास। तो उत्तर प्रदेश में रहने वाले फिल्म सिटी का उपहार अब लेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि 7 दिनों में कोरोना संक्रमित की संख्या करीब 20 लाख पहुंच चुकी है, जो सबसे ज्यादा है। जी हां, राहत की बात यह है कि मृतकों की संख्या 10% में कमी आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जारी रिपोर्ट में बताया कि 14 से 20 सितंबर तक विश्व भर में कोरोना संक्रमित के करीब 20 लाख नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले सप्ताह के आंकड़ों में 6% अधिक है। इस महामारी की शुरुआत के बाद से ये सबसे बड़ी साप्ताहिक संख्या है। इस महामारी की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या 10% की कमी आई है। पिछले सप्ताह कोरोना से कई हजार मौतें हुई थी। इस बार यूरोप में संक्रमण में मरने वालों की संख्या पिछले सप्ताह की तुलना में 27% में वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका कोरोना संक्रमित और मौत के मामलों में अभी सबसे आगे है। पिछले सप्ताह के नए संक्रमित मामलों में कई प्रतिशत ज्यादा अमेरिका के हैं। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत केस के बाद अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की एंट्री हो सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ड्रग्स से संबंधित मामलों की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी को मंजूरी दे दी गई है। सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े केस में NIA जांच का ये बड़ा कारण हो सकता है। आपको बता दें, इस एजेंसी का गठन मूल रूप से आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच के लिए किया जाता है। अगर इस केस की जांच NIA को सौंपी जाती है तो केंद्रीय जांच ब्यूरो और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बाद NIA इस मामले में शामिल होने वाली चौथी एजेंसी बन जाएगी। जी हां, रिया चक्रवर्ती को न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। 14 दिनों की जेल में अभी भी वो कैद है। इन धारा में सरकार को किसी भी अधिकारी को अधिनियम के तहत अपराधों की जांच के लिए एक पुलिस स्टेशन में शक्तियां प्रदान करने की अनुमति देती है। NIA की स्थापना 2008 में मुंबई सीरियल धमाकों के बाद की गई थी। हम उम्मीद करते हैं कि सुशांत सिंह मौत मामले में जल्दी से फैसला आए और जो भी आरोपी हैं उनको सख्त कार्रवाई हो और उन्हें सजा मिले। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित प्राधिकरण ने पंजाब और हरियाणा को पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा है। इन दोनों राज्यों में जलने वाली पराली सर्दी के मौसम में दिल्ली के वायु को प्रदूषित कर देती है। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित प्राधिकरण में लिखा पत्र गया है। जी हां, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में वायु प्रदूषण का बड़ा कारण पराली जलना है। बीते साल इस धुएं के कारण नवम्बर में PM स्तर 44% पहुंच गया था। पर्यावरण प्रदूषण परिधान के अध्यक्ष ने कहा कि हमें इस जानकारी है कि पंजाब में फसलों का अवशेष जलाने की शुरुआत हो गई है। सफर के मुताबिक 21 सितंबर को कई जगह पर आग लगाई गई, वहीं 20 सितंबर को संख्या 20 और 15 सितंबर को शून्य थी। जी हां, नासा के सैटेलाइट के मिले चित्रों के अनुसार भी पंजाब और हरियाणा के किसानों ने फसलों का अवशेष जलाना शुरू कर दिया है। इस पर रोक बहुत जल्दी लगाई जानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जल्दी मान लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग ने युवाओं को नौकरी देने की दिशा में काम शुरू किया है। सबसे पहले राजस्व विभाग में खाली पड़ी कई पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को 10% आरक्षण दिया जाएगा। अधिनिय सेवा चयन आयोग को राजस्व विभाग में खाली पदों पर भर्ती के प्रस्ताव के प्राप्त हो चुके हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कोटे वाले बच्चों को 10% सीटें निर्धारित होने के बाद प्रति संबंधी विज्ञापन निकाला जाएगा। सिर्फ ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, जिससे कोरोना काल में युवाओं को किसी तरह की असुविधा ना हो पाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप भी इन पदों पर अपना नामांकन करेंगे तो हम आशा करते हैं कि आपका नाम भी सरकारी नौकरी में जरूर आना चाहिए। टाटा टियागो भारतीय कार निर्माता टाटा मोटर्स के लिए काफी लकी साबित हुई है, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। ये बात इस तथ्य से साबित होती है कि टाटा मोटर्स ने गुजरात के प्लांट में
3 लाख वी टियागो पर आकर निकाली। 2016 में पहली बार लॉन्च की गई टियागो कंपनी के इम्पैक्ट डिज़ाइन पर आधारित पहली कार है। इस कार में ढेर सारे फीचर्स हैं और ये अपनी टेक्नोलॉजी और ड्राइविंग के लिए काफ़ी सराही गई है। इसके साथ ही ये कार काफ़ी आकर्षक कीमत में आती है, जो ग्राहक को अपनी ओर खींचती है। टाटा की एंट्री लेवल कारों में टियागो को काफ़ी अहम स्थान दिया गया है। 4 साल पहले लॉन्च हुई इस कार के 3 लाख से ज़्यादा यूनिट बिक चुके हैं। टाटा का कहना है कि इस कार के लुक के साथ साथ इसमें मिलने वाले फीचर्स की वजह से ग्राहकों के बीच ये काफ़ी लोकप्रिय बन चुकी है। जबकि इसकी शुरुआती कीमत 4.69 लाख की वजह से इसे अपने सीधे प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ने में काफ़ी सफल रही है। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ने पोस्टपेड उपभोक्ताओं के लिए कई नए प्लान और लॉन्च किए हैं। जियो के ये प्लान्स 399 रुपये, 599, 799, 999 और 1499 रुपये वाले नए प्लान हैं। जी हाँ, वॉइस कॉलिंग और SMS के साथ उपभोक्ताओं के जियो पोस्टपेड प्लान्स और नेटवर्क में इसमें कई तरीके की प्लान्स शामिल हैं। पारिवारिक प्लान्स और डेटा रोल ओवर की सुविधा भी है इन प्लान्स में, यानी अगर आप प्लान का डेटा इस्तेमाल नहीं हो पाता है तो अगले महीने के प्लान में जुड़ जाएगा। जियो पोस्टपेड प्लस प्लान अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले ग्राहकों के लिए भी सुविधाएं लेकर आया है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर उपभोक्ताओं को इस लाइट एक्टिविटी भी मिलेगी। इस तरह की देश सेवा में पहली बार पेश की गई है। अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की फ्री इंटरनेशनल रोमिंग मिलेगी। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी खबर है। दुनिया में कहीं भी ऐसे भारत में कॉल 1 रुपये प्रति मिनट की देर से उपलब्ध होगी। चीन के साथ जारी तनाव का सीधा लाभ भारतीय मोबाइल निर्माता कंपनियों को मिलने जा रहा है। निर्माण से जुड़े योजना के तहत सरकार कई हजार करोड़ की मदद करेगी। इस कदम से संबंधित होने वाले कगार पर पहुंच चुकी देसी मोबाइल निर्माता कंपनी को पूर्व जन्म मिलने की संभावना जारी है। जी हां, दरअसल पिछले कुछ वर्षों में चीन के ओप्पो, वीवो जैसी कंपनियों में मोबाइल धड़ल्ले से बिकते हैं, लेकिन भुगतना होता है इसका नुकसान हमारी भारतीय कंपनियों को। जी हाँ, संसाधनों की कमी और चीनी कंपनियों की गुणवत्ता व तकनीक का मुकाबला न कर पाने की वजह से इनकी बिक्री काफ़ी कम हो चुकी है और कंपनियां बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। समान गुणवत्ता वाले चीनी स्मार्टफोन भारत की अपेक्षा 11% तक सस्ते होते हैं, लेकिन सरकार की सख्ती के बाद चीन की कंपनियां अब भारत में विस्तार को लेकर सतर्क हो गई हैं। जी हाँ, साथ ही मेक इन इंडिया के तहत आई प्रोत्साहन योजना से भी स्थानीय कंपनियों को दोबारा वहां पसारने में मदद मिलेगी। 22 भारतीय और विदेशी कंपनियों ने योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन कर भी चुकी है। फिलहाल द डॉन एक्सप्रेस में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए द डॉन एक्सप्रेस के साथ, और आप हमारी वीडियो अंत तक देखने के बाद लाइक ज़रूर करिएगा और अंत तक देखने के बाद हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करिएगा अगर आप करना भूल गए हैं। साथ ही साथ आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। और बने रहिए डॉन एक्सप्रेस के साथ। जाते जाते से आभार। डेली हंट, डेली होप। नमस्कार।